आज एक बड़ी सफलता में एनसीबी ऑपरेशंस ब्रांच ने जाफर सादिक अब्दुल रहमान, जो कि मास्टरमाइंड था, एक रैकेट चला रहा था सूडो एफेड्रिन को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भेजने का, उसको पकड़ने में सफलता हासिल की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने तमिलनाडु के कथित फिल्म निर्माता जाफर सादिक द्वारा 70 करोड़ रुपए से अधिक की धन राशि के शोधन का सबूत इकट्ठा किया। आरोपी कथित तौर पर भारत में ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी प्रतिबंधित नशीली दवाओं की आपूर्ति कर रहा था। ईडी की चेन्नई इकाई ने 9 अप्रैल 2024 को जाफर सादिक और अन्य से जुड़े चेन्नई, मदुरे और तिरुचिरापल्ली में विभिन्न स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत छापेमारी की थी। परिवर्तन निदेशालय की जांच सीमा शुल्क विभाग और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी दिल्ली द्वारा जाफर सादिक और उसके साथियों द्वारा मादक पदार्थों के अवैध सीमा पार व्यापक में शुरू की गई जांच पर आधारित थी। सादिक, जो एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी कॉर्टेल के मास्टरमाइंड होने का आरोपी है, उस पर स्यूडोएफेड्रिन की तस्करी का आरोप है, जो कथित तौर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हेल्थ मिक्स पाउडर और डेसिकेटेड नारियल की आड़ में भेजा गया था। आरोप बताते हैं कि उसने नशीली दवाओं की बिक्री से प्राप्त आय को अचल संपत्ति, फिल्म निर्माण और रसद सहित विभिन्न उपक्रमों में लगाया, जो गैर कानूनी गतिविधियों के लिए मोर्चे के रूप में काम करते थे। खोज अभियानों में जाफर सादिक द्वारा उत्पन्न नगदी को शोधन करने में सुविधा देने वाली संस्थाओं से जुड़े आवासों और व्यवसायों को निशाना बनाया गया था। इकट्ठा किए गए सबूत बताते हैं कि नगदी को विभिन्न क्षेत्रों में इंजेक्ट करने से पहले विशिष्ट फाइनेंसरों के माध्यम से स्थिरित किया गया था, विशेष रूप से फिल्म निर्माण और आतिथ्य उद्योग, साथ ही अचल संपत्ति का अधिग्रहण। ईडी के अधिकारियों ने कहा, जांच में 6 करोड़ रुपए से अधिक के प्रत्यक्ष नकद भुगतान का पता चला, जिसमें 12 करोड़ रुपए से अधिक नकदी फिल्म निर्माण के लिए रूट और लेयर की गई थी। इससे अतिरिक्त जाफर सादिक के जुड़ी संस्थाओं द्वारा नियंत्रित बैंक खातों में 21 करोड़ रुपए से अधिक नकद जमा किए गए। महत्वपूर्ण नकदी का उपयोग अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए भी किया गया है, जिसकी कुल कीमत 40 करोड़ रुपए से अधिक है। बाकी अभी जांच जारी है, क्योंकि अवैध वित्तीय गतिविधियों के जटिल जाल में अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए आगे विश्लेषण किया जा रहा है। खोज अभियानों में दस्तावेजों और विवरणों का एक नेटवर्क उजागर हुआ, जिसमें नशीली दवाओं की तस्करी से अर्जित धन से खरीदी गई चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल, जिसके कारण पर्याप्त सबूत जब्त हो गए। सादिक 36 को एनसीबी ने मार्च में लगभग 3500 किलो प्रतिबंधित नशीली दवाओं की तस्करी के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए से अधिक है। एनसीबी द्वारा कथित तौर पर ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े नाम के बाद सत्तारूढ़ द्रमुक ने उन्हें तमिलनाडु से बाहर कर दिया था। जाफर सादिक धन शोधन मामला भारत में ड्रग तस्करी और उससे जुड़े अपराधों के बढ़ते खतरे को उजागर करता है। यह मामला इस बात का भी संकेत है कि कैसे अपराधी वैध व्यवसायों और उद्योगों में नशीली दवाओं की बिक्री से पर्याप्त आय को श्वेत करने के जटिल तरीके खोज रहे हैं। ईडी की कार्रवाई ड्रग तस्करी के विरुद्ध सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। हालांकि तस्करी और धन शोधन पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता है। तो इस तरह हमने जाना कि ईडी ने तमिलनाडु फिल्म निर्माता जाफर सादिक द्वारा 70 करोड़ रुपए से अधिक की धन शोधन का सबूत इकट्ठा किया है। सादिक पर भारत और विदेशों में नशीली दवाओं की तस्करी करने का आरोप है। ईडी की छापेमारी में दस्तावेजों और संपत्तियों का एक जाल उजागर हुआ, जो नशीली दवाओं की बिक्री से प्राप्त आय के शोधन का संकेत देता है। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।